गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। बच्चों आज हम क्लास फोर्थ में आपको ये जो आपकी ग्रामर बुक है उसका लेसन 12 पढ़ाएंगे, ठीक है। लेसन 12 देखिए ये है बच्चों, इसमें कई सेक्शन है, मतलब जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, इस तरीके से कई चीजें दी हुई है जो हम आपको एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आपका लेसन 12 है, आपका लेसन दिया है पेज नंबर 76 पे, ये देखिए, ठीक। तो बच्चों इसमें सबसे पहले दिया हुआ है शब्द भंडार, शब्द भंडार यानी पर्यायवाची शब्द। आप लोग जानते हैं कि पर्यायवाची क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन होती है बच्चों एक समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द होता है वो एक जैसा ही अर्थ प्रकट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि सूरज, तो आम बोलचाल की भाषा में हम सूरज यूज करते हैं, बट सूरज के भी कई नाम होते हैं, जैसे दिनकर, भारू, भास्कर, ये सूरज के नाम है, रवि। तो अगर हम भानु भी बोले तो भी सूरज है, दिनकर बोले तो भी सूरज है, दिवाकर बोले तो भी सूरज है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची, मतलब वो जो शब्द है वो एक जैसा अर्थ दे रहा है, ठीक। देखिए ये आपके कुछ शब्द मुझे दिए हुए हैं और ये क्या है, इनके पर्यायवाची दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे आंख का देखिए, नेत्र, नयन, लोचन, आग का, अग्नि, पावक, अनल, आदमी का, मनुष्य, नर, पुरुष, औरत का, स्त्री, नारी, महिला, किनारा, तट, तीर, कूल, गुरु, आचार्य, शिक्षक, अध्यापक, इस तरीके से आपके क्या दिए हुए हैं, ये शब्द हैं और उनके पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपका इसकी एक्सरसाइज बताते हैं बच्चों। एक्सरसाइज शुरू हो जाए इसकी पेज नंबर 79 से, ये देखिए पहले क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, फिर ये एक्सरसाइज आपको हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं क्यों? तो बच्चों इसका आंसर होगा कि पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं, इसीलिए इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। फिर समानार्थी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आप लिखेंगे समानार्थी शब्द का मतलब पर्यायवाची ही होता है। फिर बच्चों आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, इन पिक्चर्स को देखकर आपको इनके पर्यायवाची शब्द, जैसे पहली पिक्चर है बादल, ठीक है, तो आप बादल का क्या लिख देंगे, मेघ, घन, घटा, ठीक। सेकंड पिक्चर है बच्चों पक्षी बना हुआ, तो पक्षी का आप लोग क्या लिख सकते हैं, पक्षी, खग, विहग, ठीक। फिर थर्ड पिक्चर में फूल बना हुआ है, तो फूल का आप लोग क्या लिख सकते हैं, पुष्प, कुसुम और सुमन। फिर आंख बनी हुई है, आंख का क्या 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 लिख सकते हैं आप लोग, नेत्र, नयन और लोचन, ठीक है। फिर बच्चों आप लोग पेज को टर्न करिए, आइए पेज नंबर 80 पे, ये देखिए ये वाली एक्सरसाइज, सबसे ऊपर वाली, ये एक्सरसाइज नंबर 2 है। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या है बच्चों, शब्दों को के उचित पर्यायवाची शब्द छांटकर उनका बोला बनाइए। मतलब ये शब्द दिए हुए हैं और ये पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, जो इसका सही पर्यायवाची है उसको आपको क्या करना है, उस पर सर्किल बनाए। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक आपको किस पे सर्किल बनाएंगे बच्चों, आप लोग किताब पे। सेकंड है मनुष्य, तो मनुष्य का किस पे सर्किल बनाएंगे आप लोग बच्चों, मानव पे। थर्ड है पानी, तो पानी का किस पे सर्किल बनाएंगे आप लोग, सलिल पे। फोर्थ है घर, तो घर पे किस पे सर्किल बनाएंगे बच्चों, आलय पे। फिफ्थ है महिला, तो किस पे सर्किल बनाएंगे आप लोग, नारी पे, ठीक है। फिर आइए उचित मिलान, एक्सरसाइज नंबर 3, ये देखिए ये मिलान करना है आपको, मतलब पर्यायवाची शब्दों से को आपको मिलान करना है। फर्स्ट बच्चों आपका मिला हुआ है चंद्रमा, शशि, बेटा आप किसमें मिलाएंगे बच्चों, सुत पे, यानी फिफ्थ नंबर पे। फिर आपका थर्ड नंबर है, थर्ड पे है आग, तो आग किसमें मिलाएंगे आप बच्चों, फर्स्ट नंबर पे, अनल पे। फिर फोर्थ है आपका बादल, बादल किसमें मिलाएंगे, थर्ड नंबर पे, जलाधि पे। फिर है समुद्र, समुद्र किसमें मिलाएंगे बच्चों, नहीं सॉरी, बादल का आप लोग सेकंड में मिलाएंगे, जलधर पे, और समुद्र का किसमें मिलाएंगे, जलाधि पे, ठीक है बच्चों। फिर आइए आओ करे चार, आओ करे चार बच्चों देखिए ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, जो एक क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्यायवाची है, तो उसके चार ऑप्शन है, उन ऑप्शन को आपको मतलब ऑप्शन पे टिक करना है जो सही पर्यायवाची है। पहला है रात में तारे चमकते हैं, तो बच्चों रात में आप लोग दिशा पे टिक करेंगे कि रात का मीनिंग दिशा भी होता है। फिर है आचार्य, सेकंड है आचार्य हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, तो बच्चों आप लोग गुरु पे टिक करेंगे, ठीक है, आचार्य मतलब मीन गुरु भी होता है। फिर पहाड़ पर बर्फ जमी है, तो आप लोग किस पे टिक करेंगे, गिरी पे। फिर है जल ही जीवन है, किस पे टिक करेंगे आप लोग, नीर पे। फिर है राजा ने मंत्री को आदेश दिया, तो आप किस पे टिक करेंगे, नृप पे, ठीक। फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जो है आइए विलोम शब्द पे, ये आपका दिया है पेज नंबर 82, ये देखिए ये आपका विलोम शब्द है। बच्चों आप लोग जानते हैं कि विलोम क्या होता है, विलोम होता है वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। मतलब जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। देखिए ये विलोम शब्द आपको दिया हुआ है,
जैसे आपका दिया अंधेरा उजाला अंधकार प्रकाश आरंभ अंत आशा निराशा, ये क्या है आपका विलोम शब्द दिया हुआ है, इसको आप लोग लर्न करिए ठीक। या फिर आइए इसकी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज है 83 पेज पे, फर्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है उनके आंसर हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये वाले इसमें सब पहला है विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो बच्चों इसका आंसर ये है ठीक है। ये देखिए ये दिया हुआ डेफिनेशन इसकी, वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत होता होते हैं उन्हें विलोम कहते हैं। फिर सेवक और विशाल विशाल शब्दों का विलोम बताइए, तो बच्चों सेवक का होगा स्वामी और विशाल का होगा लघु ठीक है, सेवक का होगा स्वामी और विशाल का होगा लघु। फिर देखिए बच्चों ये देखिए आप देख रहे हैं ये फिल्म की ब्लैंक्स है, उसमें कुछ वर्ड जो है वो कलर रंगीन भी लिखे हुए हैं, मतलब रंगीन है, तो जो रंगीन वर्ड है बच्चों उन्हीं का आपको क्या करना है पर्यायवाची, अरे सॉरी विलोम जो है यहाँ पे आपको क्या करना है फिल करना है ठीक है। जैसे है राजा दिनेश वीर है पर उनका भाई, तो वीर बच्चों क्या है वीर का ही आपको विलोम जो है लिखना है जहाँ पे खाली जगह है, तो वीर का क्या होगा बच्चों कायर, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा राजा दिनेश वीर है पर उनका भाई कायर है। फिर युद्ध में राजा की विजय है उनके शत्रु की, बच्चों विजय का आप क्या लिखेंगे पराजय, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा युद्ध में राजा की विजय हुई और उनके शत्रु की पराजय हुई। फिर है फोर्थ थर्ड है आज से कई साल पहले हम परतंत्र थे पर अब हम डैश है, क्या फिर डायरेक्ट बच्चों वहां पे स्वतंत्र ठीक है, प्रथम मतलब गुलाम थे अब क्या है हम आजाद हैं, तो आप वहां पे क्या फिर करेंगे स्वतंत्र, तो आज से कई साल पहले हम प्रथम थे पर अब हम क्या हैं स्वतंत्र हैं। हमें अज्ञान का अंधकार मिटाकर डैश का फैलाना, बच्चों इसमें दो है अज्ञान और अंधकार ठीक है, तो आप पहले जो खाली प्लेस आपको दिख रहा है वहां पे आप क्या फिर करेंगे ज्ञान, और सेकंड में आप क्या करेंगे जो सेकंड प्लेस है उसमें ब्लैंक प्लेस है उसमें आप क्या फिर करेंगे प्रकाश, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमें अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग प्लेस को टर्न करिए, आइए पेज नंबर 84 पे, ये देखिए ये आपका पेज नंबर 84 है, ये वाली एक्सरसाइज ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है उचित शब्दों के उचित विलोम पर गोला बनाइए, मतलब ये शब्द है इसको आपको क्या करना है यहाँ पे सर्किल बनाना है जो सही विलोम है इन लोगों का। गुण का क्या लिखेंगे बच्चों आप लोग दोष, मतलब आप लोग दोष पे सर्किल बनाएंगे। फिर सम्मान पे किसको सर्किल बनाएंगे अपमान पे। थर्ड है प्रसन्न, तो प्रसन्न पे किसको सर्किल बनाएंगे बच्चों अपसन्न पे। फिर है स्वामी, तो आप किसको सर्किल बनाएंगे सेवक पे। फिर है उचित मिलान, बच्चों ये देखिए ये उचित मिलान है, इसमें आपको क्या करना है कि जो सेंटेंस है उसको मैच कराना है विलोम से, जैसे सावधान का असावधान पे मैच है, प्राचीन का आप नवीन पे मैच कराएंगे, डरपोक का आप लोग निधर पे मैच कराएंगे और शांति का आप लोग शांति पे मैच करेंगे ठीक है। फिर बच्चों आइए अनेकाफी शब्द, ये देखिए ये आपका अनेकाफी शब्द है बच्चों, ये सब आपका लेसन 12 के ही अंतर्गत आ रहा है ठीक है। ये भी आपका पेज नंबर 85 पे, अनेकाफी शब्द क्या होते हैं इसकी डिफिनेशन हम आपको बताते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द को अनेक शब्द कहते हैं ठीक है, मतलब जब हम किसी सेंटेंस को पूरा ना बोल के उसको छोटे सेंटेंस में ही बोल देते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हलवाई, तो मतलब हलवाई हम ये नहीं बोलते कि वो जो मिठाई बैठाई बनाता है, हम क्या बोलते हैं सीधे सीधे हलवाई, तो हमने क्या किया छोटे शब्दों को एक शब्द में समेट दिया, तो यही होता है बच्चों आपका अनेकार्थी शब्द। इसकी डिफिनेशन देखिए बच्चों ये दी हुई है ठीक है। चलिए अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराना, बच्चों ये आप लोग लर्न कर लीजिए, ये शब्दों के अनेक ये अनेकार्थी शब्द हैं ठीक है, और इनके क्या है ये अनेक शब्द हैं और ये क्या है इनके एक शब्द हैं ठीक है। जैसे आपका दिया है जिसके जिसका मूल ना कहा जा सके अमूल्य, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जो कभी ना मरे अमर, जिसके दिल में दया हो दयालु, भगवान को मानने वाला आस्तिक, भगवान को ना मानने वाला नास्तिक, इसी तरीके से आपका ये दिया हुआ है। फिर है कम बच्चों से क्वेश्चन देखिए आपका दिया पेज नंबर 87 पे, ये देखिए इसमें क्या है कि कम शब्दों में बात कहने से भाषा कैसी हो जाती है, तो आप क्या लिखेंगे कि जब हम कम शब्दों में बात को कहते हैं तो बात क्या होती है वो और ही प्रभावशाली हो जाती है। सेकंड है साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो आप बच्चों उसका आंसर लिखेंगे साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं। फिर आइए एक्सरसाइज ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें क्या करना है ये अनेक आदि शब्द है, ये ऑप्शन दिए हुए यहां से आपको यात्रा करना है, यहाँ पे फिल करना है सही एक शब्द। जैसे है देश की वस्तु, तो आप क्या फिल करेंगे वहां पे स्वदेशी ठीक है। फिर जो चित्र बनाता हो चित्रकार, प्रतिदिन होने वाला
दैनिक, शहर में रहने वाला शहरी, भगवान को मानने वाला आस्थिक। ठीक है, फिर आइए आओ करे सॉरी निम्नलिखित मतलब एक्सरसाइज नंबर दो, ये देखिए इसमें आपको क्या करना है, जो रंगीन शब्द है उसी को आपको क्या करना है, एक शब्द में कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे है राजीव बहुत ज्यादा बोलता है, तो बहुत ज्यादा बोले वो क्या बोलते हैं बच्चों, वाचाल। ठीक है, तो आप वहां पे क्या फिल करेंगे, मतलब राजीव बहुत ज्यादा बोलता है तो आप उसके बगल में क्या फिल करेंगे, वाचाल। अमर चित्र बनाता है तो आप क्या लिखेंगे वहां पे, चित्रकार। फिर है दीपिका सदा सत्य बोलती है तो आप क्या फिल करेंगे बच्चों, सत्यवादी। ठीक है, मतलब दीपिका सत्यवादी हो जाएगा। अमित का भाग्य बहुत अच्छा है तो आप क्या लिखेंगे वहां पे, भाग्यशाली। फिर आप लोग पेज को टर्न करिए, आइए पेज नंबर 88 पे, ये देखिए ये पेज नंबर 88 है, ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, उचित शब्द द्वारा खाली स्थान को भरिए। मतलब ये खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, अनेकाधिक शब्द ही भरना है। ठीक है, जैसे पहला है शेर केवल मांस खाता है, तो बच्चों आप क्या फिल करेंगे वहां पे, मांसाहारी। ठीक है, तो सेंटेंस क्या मतलब, ठीक। फिर है हीरालाल गांव का रहने वाला है, तो आप वहां क्या फिल करेंगे बच्चों, ग्रामीण। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान ने अनेक कविताएं लिखी हैं, वो वहां पे आप क्या फिल करेंगे बच्चों, कवित्री। फिर है मित्रता का मूल नहीं आता कर सकता, तो आप क्या लिखेंगे, अमूल्य। ठीक है, फिर बच्चों गुब्बारे में अनेक आदि शब्द के लिए एक जनता भी, ये अनेक आदि शब्द भी है, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो अनेक आदि शब्द है उसके एक शब्द बनाकर जो गुब्बारे में आपको लिखना है। जैसे पहला है सप्ताह में, तो आप एक दिन होने आप क्या लिखेंगे गुब्बारे में, यानी बैलून में, साप्ताहिक। फिर है सात शब्द खाने वाला, आप बैलून में क्या करेंगे, शाकाहारी। फिर है सात पढ़ने वाला, तो आप क्या फिल करेंगे, सहपाठी। फिर है बहुत ज्यादा बोलने वाला, आप क्या फिल करेंगे, मतलब क्या लिखेंगे गुब्बारे में, वाचाल। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको लेसन 12 समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा बच्चों, कुछ भी अगर आपको डाउट होगा इस लेसन को लेकर, तो आप जब ये वीडियो देखिएगा तो आप मुझसे क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको लेसन 13 पढ़ाएंगे, विराम चिन्ह। ठीक है बच्चों।